Professor Asif Sadar Sahab and our team who took that task, and they are doing a wonderful job. And let it be, and they join hand with other people as well. क्योंकि हमारा सबका मकसद एक है, इंसान की खिदमत करनी है, वो कोई भी आए, किसी के साथ भी करनी है। आर्मी के साथ आसिफ साहब ने कॉन्टेक्ट किया, वो हमारे साथ चले। DHO साहब से कॉन्टेक्ट किया, वो हमारे साथ चले। दूसरे NGO से कॉन्टेक्ट किया, वो हमारे साथ चले। हमें कोई एतराज नहीं, कोई भी आए जो भी हेल्पिंग हैंड देगा हम उनके साथ चलेंगे, और हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी लोगों को करेंगे जिनको हेल्प की ज़रूरत है। ये हम सब का मोटो होना चाहिए। बाकी आपने सब बातें सुनी, और ये एवरी जो वर्ड जो हमें बताया गया है, एवरी लफ्ज जो है वो बहुत ही माना खेज है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हम सब के लिए एक लेसन है फ्यूचर के लिए भी। प्रिवेंशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइक पीपल सेड हियर, ट्रीटमेंट तो बाद में आती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, और आई एम श्योर दैट आवर टीम, टैलेंटेड टीम व्हिच इज डूइंग द एक्सेलेंट जॉब अलॉन्ग विद द DHO, अलॉन्ग विद अदर पीपल, दे विल कंटिन्यू टू वर्क टिल वी गेट ओवर टू दिस प्रॉब्लम। इंशाल्लाह वी विल डू। वो सिंधी में उर्दू में कहते हैं हिम्मत बल्दा मदद खुदा। तो अगर हम सब मिल के हिम्मत करेंगे तो अल्लाह भी मदद करेगा, अगर हम बैठ जाएंगे घर में तो मदद कहीं से नहीं आएगी। तो हमने सबसे पहले हमने बाहर निकलना है, हमने कुछ करना है। जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था तो हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था इसमें शुरू करें, ये अल्लाह की तरफ से हमने कहा शुरू करें, बाकी मदद अल्लाह करे। और वैसा ही हुआ है, हमने शुरू किया विद अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन उसके बाद पैसे ऐसे आते रहे, ऐसे आते गए, और अफसर साहब और आसिम साहब इनक्रेज होते गए, और हमने भी कहा भाई आप शुरू रखो, मदद अल्लाह करे। सो आप सबकी मदद से, आपकी सबकी दुआओं से इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा, हम चलाते रहेंगे। जब तक आपका साथ होगा तो ये काम भी ऐसे चलते रहेंगे। और वी मस्ट कांग्रेचुलेट अवर टीम्स एंड हार्ड वर्कर्स पीपल, लाला जाफर एंड हिज DHO टीम एंड साईं जमाल साहब एंड दिस वन, यू मस्ट गिव अ बिग क्लैप। दे आर द रियल हीरोज, which they go out, leave their houses, leave their families, leave their belongings, leave their everything behind, and they go on this path and treat the people at their doorstep. ये असल खिदमत की है कि अपना घर बार बच्चे सब छोड़ के, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनके घरों में मजबूरियाँ थी, किनका बच्चा बीमार था, किनका शोहर बीमार था, किनका मियाँ बीमार था, किसी बीवी बीमार थी, किसी को कराची जाना था, किसी का अमरे से कोई आना था, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मजबूरियाँ फैमिली में जो होती हैं हम सबको, उसके बावजूद उन सबको छोड़ के ये रिलीफ वर्क के लिए गए। आई थिंक दे नीड लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल आसिफ साहब टू यू एंड एवरीबॉडी एल्स, एंड प्लीज कंटिन्यू विद दिस गुड वर्क, वी आर विद यू एज लॉन्ग एज वी लिव। थैंक यू। रजिस्ट्रार साहब, MS साहब, आसिफ भारती एंड माई डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डोंट फियर दैट आई विल टेक मच टाइम, आई विल ओनली गिव 3 points दैट्स ऑल। तो मन आया फकरनमा अहलनास जमीया, सूरह फायदा और नंबर 6 की आयत है, जिसने एक इंसानी जान बचाई कोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। इससे बड़ा नोबल प्रॉफिट आप लोगों का है कि ये हम वो बंदे हैं जिनको ये अल्लाह ताला ने नेमत बख्शी है कि एक भी जान बचाई तो पूरी इंसान बचा दी। तो ये हीरो है, कितने इंसान जान बचा के आए देख लो। दूसरी चीज़ है हदीस शरीफ है कि अफजल अशकार की खिदमत लिन्नास, सबसे बेहतर काम इंसानियत की खिदमत है, और सबसे बेहतर इंसानी खिदमत एली ह्यूमनिटी की है। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम खिदमत करें बगैर किसी लालच के, यही कुछ जिसका अजर हमें पता नहीं कितना मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा, इसको कुछ। तीसरी चीज़ ये है कि डिजास्टर आते क्यों हैं, कुरान शरीफ में बार बार लिखा हुआ है। आप ये देख लें कि हज़रत नूह
कश्ती बना रहा था और लोग उस पर हंस रहे थे, ताजा आदमी है, खुश्की में कश्ती इतनी बड़ी कश्ती कैसे चलेगी। तो फिर कैसे पानी आया, आसमान से आया, जमीन से आया, और वो कश्ती तैरने लगी, बाकी सारे डूब गए क्योंकि अहमान सही नहीं थे, अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर पानी इसी तरह आता है, आप देखो ये पानी खुश्की नहीं हो रहा है, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। हमें अल्लाह ताला का खौफ रखना चाहिए कि थोड़ी सी पॉइंट थी कि आते क्यों, बचना है तो अल्लाह के आप आगे झुकें और अल्लाह का जो है ना हुक्म वो माने, तो इंशाअल्लाह ये कुछ भी डिजास्टर्स तो कभी आ ही नहीं सकते, ये सोचने की बात है। इस नेक्स्ट साल थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से हमारे इस प्रोग्राम को आगे किया, पहले दिन से उन्होंने सिर्फ उनकी जेब से हमारे कोलाजी साहब ने 30,000 निकाले और हम चल पड़े, वो कोलाजी साहब की आपशंती में 30,000 जेब से आपके उठा के ले गए। लेकिन बाद में जिस तरह आपने हमारा साथ दिया और इस तरह दिया कि आप आके एक हाथ ने काम किया, आपके दूसरे हाथ को पता नहीं चला और मुझे पता चल गया, वो इस तरह से कि आपने अपने बेटे को बाहर से बुलाया कि आप नहीं आओ, आपके 10,00,000 जो लगेंगे यहाँ पे आने जाने के वो 10,00,000 मुझे दे दो, मैं IDPs के लिए टेंट मंगवा लूँ और वो मेरे मंगा दे। उस हिसाब से हमारी इसरा जो है और हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी और उरूज में जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत मुखलिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं लोगों की और हम कदम ब कदम अपने वाइस चांसलर साहब के साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर। नासन सेमड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स पारां बोध मुतासरन लाइ कायम कयल टेंट सिटी में मुतासरन जो इलाज जारी आहे। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे ज़ुल्फ़कार सोलंकी। पाकिस्तान के हवाई दिफाई इदारे पाकिस्तान एयरफोर्स पारा जो सेवण में कायम कल टेंट सिटी में बोर्ड मुतासरन के जो मेडिकल कैंप की जबरदस्त एक सहूलत फराम कई वही है, जैमें वे अग में जो बोर्ड मुतासर जो टेंटन में रहल औरतू नड़ा बार जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में वी बोर्ड का वो इतने मौजूद आन जैसे तो उन्हें गड एक नंढड़ो बारड़ो है जो 10 साल जो उनके अजीब गरीब एक बीमारी चेहरे से उनकी कारण अची वे जहाँ तो चंड ग्रहण के कर उनके जाए जम का वह बीमारी थी चेहरों उनके उनके कारण छाजी वही है जैसे कर चेहरों जो सो तमाम खराब नजर अचे तो उनके कर वो बार भी इतने मौजूद है अचो तो इतने जो इतने डॉक्टर साहबान बेन मरीजन उन जो सो बारे के वारसन से गाल तो ये बीमारी उनके किए थी है उनको इलाज किए सर जाए जम चंड घिरणो सर तेरे डॉक्टर वे वी उन लख रुपया खर्च ही सो सर्जरी थी कराची वो पव अस पैसों न हो इन नी सकस इतने देखारे सभी के इतने सर पैसों असा सब न हो अस चुपड़ी कर वेठास अस गरीबों को पैसों डुकड़ ना है। जी 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 बीमारी नालो है वो है मेलिग्नेंट मेलानोसाइट नेवस चवन इनके जाए जमा का बार के होंगी है ट्रीटमेंट जो इनको है वो सर्जरी है माना ये रिमूव कदस या कैंसर कैंसर थी सके अगते खतरनाक किस्म की कैंसर थी सके थी टाइमली इनके मू इंटरवेन करे तो माना बेहतर है बार लाए। ही कैंप जेका है हियर तकरीबन 600 का अबव जेका है मानन के दिसे पई हियर उनन जो देखो मुआइनो करे पई उनके फ्री मेडिकेशन जेका दे पई न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स पर उनसा गड इसरा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भी गड आयला पाकिस्तान आर्मी जा भी डॉक्टर्स वेठान मानू वेठान जेके मेडिसिन समेत जेको उनन जो इलाज पया कन उने का पो किथे जरूरत अगर आहे तो उनन के जे दाखिल पेशेंट जो इलाज कयो वेंदो इहे उनन के ओ इलाज भी करा इनके इमरजेंसी मेडिसिंस भी प्रोवाइड कन वारी दिसें तो खटड़ा में रड़ियों चाहिए हेट वारिन में प्या बुखार थे तो बुखार बो उल्टी बो उल्टी बो उल्टी बो डाढो दस्त बो केन केन के प्लस पेशेंट्स देख चुका हूँ जो बच्चे हैं सारे मैं पीट्स का डॉक्टर हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी आ रहे हैं ज़्यादातर केसेस RTI के आ रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के और उसके अलावा मलेरिया के आ रहे हैं क्योंकि ओपन टेंट सिटी है ना ये तो यहाँ पे मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और डेंगी के केसेस आ रहे हैं उसके अलावा मतलब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं वैसे तो क्योंकि लेबॉरेटरी की कोई फैसिलिटी वगैरह ऐसी नहीं है। मोस्टली असा वट अचन था पेशेंट गैस्ट्राइटिस अचन था मलेरिया वाला पेशेंट इलाही अचन था इतने असा वट लेबॉरेटरी आए कौन जो असा फौरी तौर टेस्ट क्यों असा के खबर पवे पेशेंट की मलेरिया है या टाइफॉइड है तो असा तो उन हिसाब से ट्रीट। क्या कर रहे हैं?